बलरामपुर रेलवे माल गोदाम भगवतीगंज पर सीमेंट कुलेंकर के खिलाफ सड़क पर उतरा आम जनमानस। वहीं सैकड़ों की तादाद में देर रात तक जारी रहा प्रदर्शन। जिला प्रशासन व सरकार के जन विरोधियों रवैये के खिलाफ सड़क पर जमकर नारेबाजी की। वहीं कुलेंकर के माफिया पर प्रदर्शन कैदियों में असलहे से जान से मारने का प्रयास का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस प्रशासन सख्ते में बनी रही। करीब 3 घंटे तक भगवतीगंज चौकी का कामकाज भी ठप रहा। सैकड़ों ने चौकी घेरी। प्रदर्शनकारियों ने इसे कैंसर दमा जैसी बीमारियों का खतरा बताते हुए इसका विरोध करीब 8 महीने से लगातार हो रहा है, परंतु जिला प्रशासन व सत्ता पक्ष मोटी कमाई के चलते जनहित के अनदेखा कर जनता की आवाज़ को बराबर दबा रही है। इसका असर 2019 के चुनाव में देखा जा सकता है। कई बार इनसे अल्टीमेटम भी दिया गया कि आप बंद करा दीजिए, ये दबंगई के बलबूते पे ये क्रिंकर हुआ। आज हम लोग जब प्लेटफार्म पे गए तो इन्होंने जो कट्टे रिवाल्वर से हम लोग को खदेड़ लिया और गांव से कुछ आदमी ले आए, कुछ इसमें बीच में क्रिंकर मालिक और एक यहाँ के लोकल कुछ मिले हुए हैं और वही लोग खदेड़ लिए हैं हम लोग को। और ये क्रिंकर बंद होना चाहिए। कौन है क्रिंकर मालिक? क्रिंकर राकेश तिवारी जी। जैसे क्रिंकर का रैक उतरती है यहाँ जी, रैक उतरता है। कई बार हम लोगों ने विरोध भी किया, जो है डीएम साहब को ज्ञापन दी गया, हमारी आदमी क्लिंकर के मर भी गया था। आज हम लोग गए कि क्लिंकर मत उठवाइए, इन लोगों ने हम लोग के ऊपर जो है खदेड़ लिया। उसके बाद हमारे उल्टे खिलाफ जो है चौकी पे इन्होंने दरखास्त दे दिया। क्लिंकर है क्या, इससे परेशानी क्या है आपको? जो है सांस लेने में दिक्कत है, घर में कचरा होता है। मोदी जी कहते हैं प्रदूषण मुक्त हो देश, तो ये प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। ये मोदी जी के जो है नियमों को जो है ताक पर रख के काम कर रहे हैं। यहाँ प्रशासन भी ताक पर रख के काम कर रही है।